Dear students, after discussing SN1 substitution reaction, factors affecting SN1 substitution reactions, now after that we have discussed SN2 substitution reactions. Now, what are the factors affecting SN2 substitution reactions? Dear students, जिस तरह से हमने factors affecting SN1 substitution reaction में कहा था, first step में वहां पे मैंने कहा था कि फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वहां पे मैंने फर्स्ट स्टेप में कहा था नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड या मैंने वहां पे कहा था सबस्ट्रेट. सेम इज द केस हियर इन केस ऑफ SN2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सबस्ट्रेट, जिसे हम कहेंगे अल्काइल हैलाइड. आपके पास रिएक्टेंट क्या है, कौन रिएक्टेंट न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करता है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? शाबाश. रिमेंबर दैट इन केस ऑफ SN1 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इन केस ऑफ SN1 सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, वहां पे मैंने कहा था नेचर ऑफ द सबस्ट्रेट या नेचर ऑफ द एल्काइल हैलाइड में मैंने कहा था ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड टुवर्ड्स SN1 सबस्टिट्यूशन रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन फॉर्मड. रिमेंबर दैट वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया था कि SN1 सबस्टिट्यूशन रिएक्शन में कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाती है, एक इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो जाती है जिसे हम कहते हैं कार्बोकैटायन, और स्टेब रिएक्टिविटी ऑफ एनी सबस्ट्रेट टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ दिस वेरी कार्बोकैटायन. जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बन जाएगा उतनी ही ज्यादा रिएक्टिविटी उस कॉरस्पॉन्डिंग सबस्ट्रेट या अल्काइल हैलाइड की होगी. दैट वॉज ऑल अबाउट इन केस ऑफ SN1 सबस्टिट्यूशन रिएक्शन. नाउ हियर डियर स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग SN2 सबस्टिट्यूशन रिएक्शन. यहां पे भी रिमेंबर दैट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ SN2 substitution reactions depends upon the reactivity, what we can say the reactivity of the substrate or alkyl halide towards SN2 substitution reaction. It is inversely proportional to the steric strain or steric hindrance. Remember that order of reactivity the alkyl halide or substrate, alkyl halides or what we can say substrate, bracket mein hum likhenge substrate, is inversely proportional to steric hindrance. Remember that. Yahan pe main explain kar lunga. डियर स्टूडेंट, जब मैंने SN2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मैंने कहा था व्हेन मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद OH नेगेटिव देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट. यहां पे इस ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन हो जाती है, यहां पे H और यहां पे H. दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट. रिमेंबर इट, दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट. This is the alkyl halide or what we can say the substrate. Remember that dear students, agar hum ye substrate le lenge, plus OH negative. We will compare this very methyl chloride with tertiary butyl chloride. Yahan pe teen hydrogen atoms hai, yahan pe carbon ke irid gird हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स, थ्री. यहां पे कार्बन के इर्द गिर्द थ्री मिथाइल ग्रुप्स है, मिथाइल ग्रुप्स. रिमेंबर दैट ए मिथाइल ग्रुप और अल्काइल ग्रुप्स आर कंसिडर एज बल्की ग्रुप्स. शाबाश. अगर हम यहां पे देख लेंगे, वी विल सी दैट यहां पे जब ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन हो जाएगी, मींस यहां पे अगर यहां पे ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन हो गई इस तरह से, यहां पे मिथाइल ग्रुप, यहां पे मिथाइल ग्रुप, यहां पे डैश,
Cl और यहाँ पे CH3। रिमेंबर दैट यहाँ पे भी OH नेगेटिव, शाबाश। विद रेस्पेक्ट टू वी विल से दैट इन टर्म्स ऑफ SN2 मैकेनिज्म बैक साइड से अटैक कर लेगा यहाँ पे भी, लेकिन दिस वेरी OH नेगेटिव एज इट इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, यहां पे जब ये पीछे से अटैक कर लेगा द बल्की ग्रुप्स द मिथाइल ग्रुप्स विल हिंडर द अटैक ऑफ द OH नेगेटिव फ्रॉम द बैक साइड एज दीज वेरी मिथाइल ग्रुप्स आर द बल्की ग्रुप्स, दीज आर द बल्की ग्रुप्स। पीछे से अटैक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा इस OH नेगेटिव के लिए, दैट इज व्हाई मोर द स्टेरिक हिंड्रेंस लेस will be the order, less will be the reactivity of an alkyl halide towards SN2 reaction, because in case of SN2 mechanism the nucleophile attacks from the backside and there is complete inversion as we have read in the class in the already which jo maine yahan pe explain kiya hai SN2 reaction mechanism, wahan pe maine kaha hai jo attacking nucleophile hota hai wo back side se attack karta hai stereochemistry mein aur wahan pe complete inversion ho jata hai, yahan pe OH negative back side se attack kar lega kyunki H jo hydrogen atoms hai these are not bulky in nature, these will not hinder the attack of the OH that is attacking nucleophile from the back side. यहां पे क्या है, यहां पे methyl groups है, that is why we will say that. Thus, that is why we will say that order of reactivity of alkyl halides or substrate, ऊपर मैंने कहा है हमारा टॉपिक क्या है, factors affecting SN2 reactions. SN2 reaction nucleophilic substitution reaction, it is inversely proportional to the steric hindrance or steric strain. देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, दैट मींस अगर हमें प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड या टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में विद रेस्पेक्ट टू ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ SN2 रिएक्शन नॉट इन टर्म्स ऑफ SN1 एट दैट वेरी टाइम वी विल से दैट CH3Cl इसकी रिएक्टिविटी टूवर्ड्स SN2 विल बी मोर देन CH3CH2Cl विच इन टर्न विल बी मोर देन CH3CL सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड एंड सबसे कम रिएक्टिविटी किसकी होगी, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड की। हाँ ये भी वन नॉट है, ये भी वन नॉट है, दिस इज टू नॉट, दिस इज थ्री नॉट। व्हाई इन दिस वेरी केस reactivity is less because steric hindrance is more. Remember that alkyl groups are considered as bulky groups, they will offer more steric hindrance to the attacking nucleophile in terms of SN2 nucleophilic substitution reactions. Remember it, huh? Shabash. This is the order of reactivity of alkyl halides. Primary alkyl halide ki reactivity zyada hogi secondary alkyl halide se, which in turn will be more than tertiary alkyl halide. Why? Because remember that wahan pe more the steric hindrance, lesser will be the order of reactivity of alkyl halides towards SN2 reactions. Shabash. यहाँ पे ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, शाबाश। हाँ यहाँ पे CH2 को एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, यहाँ पे अल्फा कार्बन एटम पे कोई भी अल्काइल ग्रुप अटैच नहीं है, दैट इज वाई मिथाइल क्लोराइड की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी इथाइल क्लोराइड से। हाँ शाबाश। फर्स्ट फैक्टर में हमने डिस्कस किया जितना ज्यादा, शाबाश, जितनी ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगी उतना ही कम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी एक अल्काइल हैलाइड की होगी या सबस्ट्रेट की होगी टुवर्ड्स SN1 SN2 सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस। नाउ सेकंड एंड इंपॉर्टेंट दैट वाज द फर्स्ट नेचर ऑफ द अल्काइल हैलाइड। सेकंड इज स्टेबिलिटी of transition state, जिस तरह से इन केस ऑफ SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म वहां पे हमने कहा था फर्स्ट स्टेप में ही नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड में
order of reactivity of alkyl halides towards SN1 directly proportional to the stability of the carbocation. वहां पे first step में वहां पे SN1 reaction mechanism two step process थी. फर्स्ट स्टेप में वहां पे एक कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो जाती है और सेकंड स्टेप में वहां पे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है. यहां पे एक ही स्टेप में ट्रांजिशन स्टेट बहुत कम टाइम में ट्रांजिशन स्टेट और वही चेंज हो जाती है प्रोडक्ट में. और वहां यहां पे हम कहते हैं SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म में सिर्फ एक स्टेप है. रिमेंबर इट. नाउ फैक्टर्स इफेक्टिंग में मैंने फर्स्ट कहा कि नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड, जितना ज्यादा एक एल्काइल हैलाइड में स्टेरिक हिंड्रेंस होगी उतनी रिएक्टिविटी कम होगी टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन. शाबाश. नाउ और एक यहाँ पे फैक्टर है ट्रांजिशन स्टेट TS. अभी मैंने यहाँ पे आप लोगों को कहा डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल मिथाइल क्लोराइड प्राइमरी मीन्स यहाँ पे अब याद रख लीजिए जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी प्राइमरी एल्काइल हैलाइड की होगी दैट विल बी मोर towards SN2 reaction mechanism. हम किसी न्यूक्लियोफाइल दैट इज OH negative के साथ ट्रीट कराएंगे. यहाँ पे देख लीजिए, ये मैंने एक्सप्लेन किया है कि ये डैश डैश क्यों है. हाँ, दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट हेयर, दिस विल बी द ट्रांजिशन स्टेट. हाँ, शाबाश. दैट मीन्स दिस वेरी कार्बन एटम इट इज अटैच टू लिविंग ग्रुप एंड अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल. यहाँ पे ये ट्रांजिशन स्टेट है. रिमेंबर इट, दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट का ये कार्बन एटम है. व्हेन द रिएक्शन ओकर्स थ्रू SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म, रिमेंबर दैट द इन केस ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट कार्बन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड टू इज एट द सेम टाइम इट इज अटैच्ड टू द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज टू द लिविंग ग्रुप. It is partially attached to the attacking nucleophile, partially attached to the leaving group. हाँ, शाबाश. और वहां पे मैंने ये भी कहा था कि वहां इन केस ऑफ SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म एक्चुअली CCl बॉन्ड इज ब्रोकन डाउन. ये एनर्जी कहां से आती है? शाबाश. वहां पे मैंने डियर स्टूडेंट्स कहा है कि देर इज अ कंसर्टेड मैकेनिज्म, बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकडाउन आर टेकिंग प्लेस एट द सेम टाइम. जितना ज्यादा ये COH बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है उतना ही ये CCl बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाता है. मीन जब ये इसकी बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी, बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यहां से एनर्जी रिलीज होगी. जितनी ज्यादा यहां से एनर्जी रिलीज होगी वही एनर्जी इस बॉन्ड को ब्रेक करती है. शार्प मीन्स इनके हिसाब से ट्रांजिशन स्टेट दिस वेरी कार्बन इज अटैच्ड टू द लिविंग ग्रुप न्यूक्लियोफाइल डेल्टा नेगेटिव. ये भी न्यूक्लियोफाइल डेल्टा नेगेटिव. शाबाश. इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है. ट्रांजिशन स्टेट के कार्बन एटम पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि एक तरफ से तो लीविंग ग्रुप, दूसरी तरफ से अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल. रिमेंबर दैट डियर स्टूडेंट्स, अगर ट्रांजिशन स्टेट को यहां पे देख लीजिए आप, ये ट्रांजिशन स्टेट है, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड. अगर किसी भी अल्काइल हैलाइड को एक इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप अटैच होगा, रिमेंबर इट, एन इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप ए ग्रुप विच विल विड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कार्बन एटम विच इज प्रेजेंट इन द ट्रांजिशन स्टेट, इट विल स्टेबलाइज द ट्रांजिशन स्टेट. रिमेंबर इट, more the stability of the transition state, more the stability of the transition state, more will be the reactivity of alkyl halides or substrates towards SN2 reaction mechanism. ek point to humne yaad rakha ki jitna zyada steric hindrance hogi utni hi kam what we can say रिएक्टिविटी होगी अल्काइल हैलाइड्स की या सबस्ट्रेट्स की टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म. लेकिन उसके साथ साथ हमें और एक फैक्टर याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट पे भी ये डिपेंड करता है. और रिमेंबर दैट स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट ओवरकम्स द स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर. पहले रिमेंबर दैट हमें ज्यादातर ध्यान देना होगा स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट. ये याद रखना होगा कि मोर द स्टेबिलिटी ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट मोर द ऑर्डर ऑफ शाबाश मोर विल बी द
reactivity of alkyl substrates towards SN2 reaction mechanism. Remember that. अगर यहां पे मैंने कहा अगर ट्रांजिशन स्टेट में कोई EWG इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट तो इसी तरह से होगी, यहां पे और कोई दो ग्रुप्स अटैच होंगे, दिस वेरी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एज दिस वेरी कार्बन एटम हैज ए सलाइड पॉजिटिव चार्ज जब कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का डायरेक्ट इफेक्ट किस पे पड़ जाएगा? कार्बन पे. जब कार्बन पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ जाएगा तो इसके इर्द गिर्द दो, एक तो लीविंग ग्रुप एक तो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, बोथ आर इलेक्ट्रॉन रिच. ये कार्बन उनको भी अपनी ओर, उनके इलेक्ट्रॉन, उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को भी अपनी ओर खींच लेगा. जब ये कार्बन उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींच लेगा, वाई? बिकॉज इसके बगल में इस कार्बन एटम को अटैच होता है एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, विद द रिजल्ट मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे कम हो जाएगा. That is why we are saying that more the number of electron withdrawing groups attached to an alkyl halide, more will be its reactivity towards SN2 reaction mechanism and more will be the stability of the transition state. Remember it. यहाँ पे मैं लिखूँगा step order of reactivity of मैं यहां पे लिखूंगा अल्काइल हैलाइड्स टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ TS ट्रांजिशन स्टेट. स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, मोर द स्टेबिलिटी ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट, मोर विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म. हम यहां पे एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे. देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, अब यहां पे ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द अल्काइल हैलाइड्स में आप लोगों को दूंगा टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म और आप लोगों को समझ आ जाएगा कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इन केस ऑफ SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म. पहले हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे. फॉर एग्जाम्पल हमें कहा जाएगा इन चारों में से ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म, या सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी. एक तो होगा मिथाइल क्लोराइड, शाबाश. अब ये हाइड्रोजन एटम सब्स्टिट्यूट हो जाएगा. देख लीजिए यहां पे होगा एच सी डबल बॉन्ड ओ सी एच टू सी एल, मीन्स यहां पे एक हाइड्रोजन एटम एल्डिहाइड ग्रुप से चेंज हो गया, सब्स्टिट्यूट हो चुका है. सी होगा व्हाट वी कैन से सी एच थ्री सी एच टू CL, और D होगा CH3CH, CL और यहां पे CH3. शाबाश. देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, ये भी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, ये भी प्राइमरी है और ये भी प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है. शाबाश. विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट फैक्टर हमने क्या देख लिया, वहां पे जो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स होते हैं वो सबसे कम, विद रेस्पेक्ट टू प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स वो कम रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म. शाबाश. मीन्स सबसे कम रिएक्टिव ये होगा टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म. शाबाश. अब इन तीनों में हमें कंपेरिजन करना है. वहां पे मैंने कहा था मिथाइल क्लोराइड इज मोर reactive towards SN2 reaction mechanism than ethyl chloride. Why? Because यहाँ पे एक alkyl group है, with respect to steric hindrance यहाँ पे ज्यादा steric hindrance होगी. अब means यहाँ पे शाबाश, इन दो के बीच में जब हम comparison कर लेंगे, एक की reactivity ज्यादा होगी C से, एक की reactivity ज्यादा होगी C से. Now यहाँ पे देख लीजिए dear student, यहाँ पे कार्बन एटम को अटैच है एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप, दिस इज नोन एज कार्बोनाइल ग्रुप. कार्बोनाइल ग्रुप इट इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बिकॉज कार्बन इज अटैच टू द ऑक्सीजन. इसकी ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी, इसकी जो ट्रांजिशन स्टेट होगी वो ज्यादा स्टेबल होगी, क्योंकि इसके पास एक कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है. मींस बी की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म देन ए, देन ए. और ए की ज्यादा किससे है? सी. और सबसे कम किसकी है? डी की. दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट.
डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ टाइम। यहाँ पे देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और कुछ पॉइंट्स रिलेटेड टू स्टीरिक हिंड्रेंस एंड स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट हम डिस्कस कर लेंगे। यही दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी आप लोगों को नेचर ऑफ सॉल्वेंट पता है। और लेविन ग्रुप का भी मैंने यहाँ पे एक लेक्चर यहाँ पे आप लोगों को दिया है विद रेस्पेक्ट टू लेविन ग्रुप। और हाँ, यहाँ पे SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म में नेचर ऑफ द न्यूक्लियोफाइल पे रेट डिपेंड करती है। शाबाश, वहां पे SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म में नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल पे वो डिपेंड नहीं करती थी। हाँ, शाबाश। नाउ देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, अब यहां तक आप लोगों ने देख लिया जो SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स अगर हमें डिस्कस करना होगा, पहले हमें देखना होगा कि ट्रांजिशन स्टेट किसकी ज्यादा स्टेबल है और इसके साथ साथ स्टेरिक हिंड्रेंस किस में ज्यादा है। लेकिन ट्रांजिशन स्टेट ओवरकम्स ओवर पावर्स ओवर द स्टेरिक हिंड्रेंस। यहाँ पे एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया ना, फॉर एग्जाम्पल एक और क्वेश्चन यहाँ पे हमें डिस्कस करना होगा। यहाँ पे CH2Cl और CH3CH2Cl, ये भी प्राइमरी है, यहाँ पे ये भी प्राइमरी है। अब रिएक्टिविटी फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी, किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, दिस इज नोन एज फिनाइल रिंग C6H5। फिनाइल रिंग, इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp2। यहां पे इस मिथाइल ग्रुप की जो इस कार्बन एटम को अटैच है इट इज sp3। मोर द एस कैरेक्टर, यहां पे 33% एस कैरेक्टर है, यहां पे 25% एस कैरेक्टर है इस कार्बन एटम। यहां पे कितना है इस कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या है जो कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच है CH2 को? शाबाश, इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp2। मोर द एस कैरेक्टर, मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा एज कंपेयर टू CH3। इट दैट मीन्स एज वी हैव ए कंसेप्ट, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स एक अल्काइल हैलाइड को अटैच होंगे उतनी ज्यादा उसकी जो ट्रांजिशन स्टेट होगी वो ज्यादा स्टेबल होगी। That means उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी towards SN2 रिएक्शन mechanism. That is why it is more reactive than B. Now, overall reactivity order are both aliphatic as well as aromatic alkyl halides. Allyl alkyl halides, aromatic alkyl halides and aliphatic alkyl halides. जिस तरह से हमने SN1 रिएक्शन mechanism में दिखाया था उसी तरह से आप लोग देख लीजिए। शाबाश, अब मैंने कहा फिनाइल रिंग का जो कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच होगा उस कार्बन एटम को जो एक हेलोजन एटम को अटैच होगा एट दैट वेरी टाइम, ये फिनाइल रिंग sp2 फिनाइल रिंग का जो कार्बन एटम होगा इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, उसका एस कैरेक्टर ज्यादा होगा और दैट मीन्स वो स्टेबलाइज ज्यादा कर लेगा बिकॉज इट इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी इस कार्बन एटम की और ये स्टेबलाइज ज्यादा कर लेगा ट्रांजिशन स्टेट को। दैट इज वाई अगर जितनी ज्यादा फिनाइल रिंग्स अटैच होंगे अल्काइल हैलाइड को उतनी उसकी ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी। ट्राई फिनाइल अल्काइल हैलाइड इज मोर स्टेबल देन ड्राई फिनाइल व्हाट वी कैन से CaCl, it will be more stable than PHCH2Cl, more stable than यहां पे Cl, this is allyl alkyl halide। और उसके बाद आ जाते हैं हमारा CH3Cl, उसके बाद CH3 होल्ड ट्वाइस CHCl, उसके बाद CH3 होल थ्राइस CCl। दिस इज प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी। यहां पे देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म यहां पे कंपैरिजन कीजिए, वहां पे भी ट्राइफिनाइल अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा थी टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म, यहां पे भी ट्राइफिनाइल अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा है टुवर्ड्स SN1 SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। व्हाई?
वहां पे स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, वहां पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इन केस ऑफ एस एन वन रिएक्शन मैकेनिज्म, यहां पे स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। जितनी ज्यादा फिनाइल रिंग्स होंगी उतना उनका एस करेक्टर ज्यादा होगा, उतना ज्यादा उनका इलेक्ट्रॉन विड्राइंग पावर ज्यादा होगा और उतनी उतना ही ज्यादा वो ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबल कर लेंगे। रिमेंबर इट, दो चीज, दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स है, यहां पे स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, वहां पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, रिमेंबर इट। हाँ, यहां पे आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है, बोथ दीज आर थ्री एरोमेटिक, दिस इज एलाइल अल्काइल हैलाइड एंड दीज आर एलिफेटिक अल्काइल हैलाइड्स, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। हाँ, देख लीजिए बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म का नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड में मैंने वहां पे रिएक्टिविटी ऑर्डर मैंने कहा था, इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन, जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का ऑर्डर था वही स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म था। वहां पे उस वो रिएक्टिविटी ऑर्डर देख लीजिए और यहां पे ये रिएक्टिविटी ऑर्डर देख लीजिए, वहां पे फर्स्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर में पहले ये आता है, वहां पे भी यही पहले आता है, वहां पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, यहां पे स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। हाँ, शाबाश। नाउ और एक पॉइंट रिलेटेड टू व्हाट वी कैन सी द स्टेबिलिटी ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट, शाबाश, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ डियर स्टूडेंट्स, वहां पे मैंने कहा था इन केस ऑफ एस एन वन रिएक्शन मैकेनिज्म, अच्छी तरह से देख लीजिए कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में रिलेटेड टू एस एन वन एंड एस एन टू रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मेनली जो थ्रस्ट होता है दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एस एन वन रिएक्शन एंड स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट एस एन टू रिएक्शन। देख लीजिए डियर स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये होगा सी एच थ्री ओ सी एच टू सी एल। Now, और ए सी एच थ्री सी एच टू सी एल, शाबाश। आपसे कोई कहेगा इन दो में से मोर रिएक्टिव कौन है टुवर्ड्स एस एन वन, टुवर्ड्स एस एन वन। वहां पर मैंने कहा था अगर जो ये अल्फा कार्बन एटम होगा, अल्फा कार्बन को डायरेक्टली अटैच होगा कोई हिट्रो एटम जो जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और वहां पे SN1 रिएक्शन में SN1 में कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाती है, मींस ये Cl जब पहले स्टेप में बाहर जाएगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज और उस पॉजिटिव चार्ज को ये हेटरो एटम स्टेबलाइज कर लेगा। वहां पे मैंने ये भी कहा मोर द नंबर ऑफ हेटरो एटम्स अटैच टू द अल्काइल, मोर द नंबर ऑफ हेटरो एटम्स अटैच टू द अल्फा कार्बन एटम वो कंटेनिंग lone pair of electrons, more will be the stability of the corresponding carbocation and more will be the order of reactivity towards SN1 reaction. ये SN1 reaction में मैंने कहा था alpha carbon को, alpha carbon वो carbon atom जिसको directly attach होगा एक halogen atom, अगर इसको कोई hetero atom attach होगा और उसके पास lone pair of electron है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टेबलाइज कर पाएंगे उसके पॉजिटिव चार्ज को क्योंकि वहां पर कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाती है, शाबाश। दैट मीन इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी With respect to this, shower. Now, यहां पे हम SN1 का mechanism नहीं लेंगे, उसके साथ साथ we can say, dear students, यहां पे SN2, इन दो में से SN2 की reactivity किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी। At the same time, remember that oxygen is more electronegative in character than carbon. यहां पे कोई electron withdrawing group, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप अटैच है, मींस इसकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 भी ज्यादा होगी टुवर्ड्स SN1 भी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस, रिमेंबर इट। SN2, हाँ SN2, ए की रिएक्टिविटी बी से, अगर मैंने यहाँ पे कहा ये ए है ये बी है टुवर्ड्स SN2 एज वेल एज टुवर्ड्स SN1, SN1 में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, SN2 में स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। मींस यहां पे हम उस नतीजे पे पहुंच गए हैं कि SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन व्हाइल एज SN2
order of reactivity of any alkyl halide towards SN2 reaction mechanism depends upon the stability of the transition state. More the stability of the transition state, more will be this reactivity towards SN2 reaction mechanism. और याद क्या रखना है कि उस कार्बन एटम को, अल्फा कार्बन एटम को अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप अटैच होगा तो वो ट्रांजिशन स्टेट को ज्यादा स्टेबल करता है, तो वो ट्रांजिशन स्टेट को ज्यादा स्टेबल करता है. हाँ, इन केस ऑफ SN1 अगर कोई हेटरो एटम, वही कोई हेटरो एटम जिसके पास वहां पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगी, इन केस ऑफ SN1 वो अगर वो अल्फा कार्बन एटम को डायरेक्टली अटैच होगा वो उस कार्बोकैटायन को स्टेबल करता है. दैट इज व्हाई वहां पे विद रेस्पेक्ट टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, यहां पे विद रेस्पेक्ट टू स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट. हाँ, ये कंपैरिजन कीजिए डियर स्टूडेंट्स. हाँ, शाबाश. दीज आर टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स डिसाइडिंग द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ alkyl halides are what we can say substrates, any substrate towards SN2 reaction mechanism. One was the steric hindrance and another is stability of the transition state. In case of factors affecting SN2 reaction mechanism, third is solvent. Effect of solvent. SN2 reaction mechanism condition kya hai SN1 mein? SN1 mein condition kya thi? Shabash, wahan pe polar प्रोटिक सॉल्वेंट्स, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स, दैट इज वाटर, शाबाश, CH3OH, CH3, CH2OH, ये मेनली तीन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स. एक्सप्लेन किया है मैंने यहां पे फैक्टर्स अफेक्टिंग, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म. इफेक्ट ऑफ द सॉल्वेंट इज पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स. कौन कौन सा एक्सप्लेन किया है मैंने, शाबाश, DMSO डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, DMF डाइमिथाइल फॉरमेमाइड, एसीटोन, HMPT, इथर, यही सॉल्वेंट्स. दीज आर द सॉल्वेंट्स विच आर अफेक्टिंग द reactivity of what we can say any substrate towards SN2 reaction mechanism. वहां पे condition क्या है, अगर SN2 reaction mechanism एक alkyl halide react कर पाएगा through SN2 reaction mechanism, याद रख लीजिए solvent, आप लोगों को solvent को भी यहाँ पे आप लोगों को उस solvent की तरह भी आप लोगों को देखना है कि solvent क्या है. अगर इन पांचों में से कोई solvent होगा तो reaction will occur through SN2 reaction. ये एक reaction condition है. यहाँ वहाँ पे reaction condition क्या थी SN1 में, वहाँ पे polar protic solvents, यहाँ पे polar aprotic solvents. हाँ, शाबाश, protic and aprotic, ये मैंने explain किया है. हाँ, शाबाश. SN2 reactions are favorable in polar aprotic solvents. Now, leaving group same वही जिस तरह से leaving group जो मैंने first lecture दिया है, leaving group ability जिसकी ज्यादा होगी, शाबाश, order of reactivity of alkyl halide towards SN2 or SN1 will be same. जिसका leaving group better leaving group होगा उसकी reactivity towards SN2. For example, what we can say CH3I, CH3Cl, CH3Br and CH3F. In message, which of the following will be more reactive towards what we can say, ये भी SN2 देगा, ये भी SN2 देगा, ये भी, because these are primary alkyl halides. ज्यादा reactive कौन होगा, ये, because इसका जो I negative है, better leaving group. रिएक्शन कंडीशन, ये भी एप्रोटिक सॉल्वेंट, यहाँ पे भी एप्रोटिक सॉल्वेंट, यहाँ पे भी एप्रोटिक सॉल्वेंट, यहाँ पे भी एप्रोटिक सॉल्वेंट. हाँ, न्यूक्लियोफाइल, एज यू नो डियर स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म जो वाटर होता है वो न्यूक्लियोफाइल का भी काम करता है, सॉल्वेंट का भी काम करता है. लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अलग और सॉल्वेंट अलग, सॉल्वेंट पोलर एप्रोटिक, वहां पे पोलर प्रोटिक. हाँ, शाबाश. इन केस ऑफ, शाबाश, चार फैक्टर्स अभी तक हमने डिस्कस किए. वन, जो फर्स्ट दो थे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, नेचर ऑफ द अल्काइल हैलाइड डिपेंड्स
it is order of reactivity of alkyl halide is inversely proportional to the steric factor. But we can say steric hindrance, steric strain, what we can say. Second, stability of transition state. Third, solvent. In case of SN2 reaction mechanism, these will be favorable when the solvent is polar aprotic. Yeah, these will occur in polar aprotic solvents. Fourth, nature of the leaving group. Better leaving group, order of reactivity of alkyl halide towards SN2 reaction mechanism will be more. Agar hum comparison kar lenge, primary alkyl halides ka, jiska better leaving group hoga, usi ki reactivity towards SN2 reaction mechanism zyada hogi. Shabash. Now, nature of the nucleophile. Nature of the nucleophile. Fifth, nature of nucleophile. Ye factor humne wahan pe discuss nahi kiya tha because SN1 reaction mechanism was independent upon the nature of the nucleophile. Kyunki RDS mein jo rate determining setup tha, wo first setup tha wahan pe in case of SN1 reaction mechanism. जहां पे कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन हो जाती थी और वहां पे सेकंड सेटअप में न्यूक्लियोफाइल का रोल आता था लेकिन एज पर द काइनेटिक्स रेट ऑफ ए रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द स्लोएस्ट सेटअप दैट इज व्हाई कि रेट डिटरमाइनिंग सेटअप में न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल नहीं होता था इनके साथ SN1 रिएक्शन लेकिन यहां पे एक ही सेटअप है और वहां पे न्यूक्लियोफाइल शाबाश वहां पे रेट डिटरमाइनिंग सेटअप में अल्काइल हैलाइड भी आता है और न्यूक्लियोफाइल भी आता है दैट इज व्हाई वी आर सीइंग दैट इन केस ऑफ SN1 इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेचर ऑफ द अल्काइल हैलाइड एज वेल एज द नेचर ऑफ द न्यूक्लियोफाइल ये मैंने कैरेक्टरिस्टिक में पहले ये बताया था रेट इज इक्वल टू के दैट इज रेट कांस्टेंट फॉर सेकंड ऑर्डर दैट इज व्हाई मैंने वहां पे कहा था SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स नेचर ऑफ द अल्काइल हैलाइड का रेज टू पावर 1 न्यूक्लियोफाइल का रेज टू पावर 1 हां 1+1 ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन दैट इज 2 दैट इज व्हाई इट इज अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू काइनेटिक्स मींस इट इज डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द न्यूक्लियोफाइल अब न्यूक्लियोफाइल जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा स्ट्रांगर न्यूक्लियोफाइल रिमेंबर इट स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल favors SN2 mechanism या SN2 reactions. Remember that. वहां पे in case of SN1 कौन सा न्यूक्लियोफाइल वाटर वही न्यूक्लियोफाइल वही सॉल्वेंट भी यूज होता था वहां पे as well as न्यूक्लियोफाइल या CH3OH या इथेनॉल शाबाश वहां पे वीक न्यूक्लियोफाइल इन केस ऑफ SN1 रिएक्शन हाँ क्योंकि वीक न्यूक्लियोफाइल को जब हम टर्शियरी अल्काइल हैलाइड के साथ वहां पे ट्रीट कराते थे न्यूक्लियोफाइल तो वीक होता था और दैट इज व्हाई वहां पे व्हाट वी कैन से कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाती थी लेकिन इन केस ऑफ SN2 रिएक्शन इन केस ऑफ SN न्यूक्लियोफाइल इतना स्ट्रांग होता है वहां पे कार्बोकैटायन को वो बनने ही नहीं देता है डायरेक्टली अटैक करता है बैक साइड से हां शाबाश यहां पे CH3Cl+OH-. न्यूक्लियोफाइल ये कहां से एन फॉर एग्जांपल NaOH Na पॉजिटिव OH नेगेटिव OH नेगेटिव यहां से न्यूक्लियोफाइल है इट इज टू मच स्ट्रांगर न्यूक्लियोफाइल इट विल अटैक फ्रॉम द बैक साइड दैट इज व्हाई यहां पे TS की फॉर्मेशन हो जाती यहां पे ये कार्बोकैटायन को बनने नहीं देता है क्योंकि न्यूक्लियोफाइल तो स्ट्रांग है दैट इज आल्सो वन मेथड टू रिकॉग्नाइज वेदर द रिएक्शन विल ओकर थ्रू SN1 और SN2 मैकेनिज्म इफ द न्यूक्लियोफाइल इज स्ट्रांगर एट दैट वेरी टाइम द रिएक्शन विल ओकर थ्रू SN2 मैकेनिज्म इफ इट इज वीकर SN1 शाबाश यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट और उसके बाद यहाँ पे CH3OH और प्लस Cl नेगेटिव एक प्रोडक्ट मिथेनॉल की फॉर्मेशन हो जाती है शाबाश स्ट्रांगर न्यूक्लियोफाइल एक तो हमारे पास है OH नेगेटिव NaOH से उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी शाबाश बट वी कैन से SH नेगेटिव NaSH या KSH O नेगेटिव बट वी कैन से O नेगेटिव pH NaO सोडियम फिनोऑक्साइड दिस इज नोन एज फिनोऑक्साइड आयन या S नेगेटिव pH बट वी कैन से NH2 नेगेटिव NaNH2 या KNH2 या NaSPH व्हाट वी कैन से
I negative, these are the stronger nucleophiles, Br negative, these are the nucleophiles, stronger nucleophiles which will favor SN2 reactions, SN2 reaction mechanism, nature of the nucleophile pe depend karta hai, these are the stronger nucleophiles, shabash, remember that. With respect to SN1, weaker nucleophile, water or methanol or ethanol. With respect to SN2, stronger nucleophile. Stronger, OH hydroxide ion. What we can say, sulfoxide ion. Phenoxide ion. Sodium amide. Amide ion. I negative, Br negative. These are the stronger nucleophiles which will favor the reaction through SN2 reaction mechanism, what we can say. Thus, dear students, remember that. This is all about the factors affecting SN2 reaction mechanism. Please remember that in case of SN2 reaction mechanism, you have to find out the stability of the transition state. In case of SN1 reaction mechanism, we have to find out the stability of the carbocation. Aur ek point yahan pe, dekh lijiye dear students, agar exam mein pucha jayega, dekh lijiye. अब आप लोगों के पास अगर आप कंपैरिजन कर लोगे या डिफरेंस कर लोगे SN1 एंड SN2 यहां पे SN1 एंड SN2 शाबाश SN1 टू स्टेप प्रोसेस SN1 टू स्टेप प्रोसेस यहां पे वन स्टेप प्रोसेस रिमेंबर इट यहां पे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन फॉर्मेशन ऑफ ए ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स शाबाश सॉल्वेंट कौन सा पोलर प्रोटिक यहां पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आर यू गेटिंग माय पॉइंट ये न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करता है SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द न्यूक्लियोफाइल शाबाश देख लीजिए अब फॉर एग्जांपल यहां पे आपके पास F नेगेटिव Cl नेगेटिव Br नेगेटिव एंड I नेगेटिव शाबाश आपसे कोई कहेगा What will be the order of reactivity of these very nucleophiles? These very nucleophiles. Towards SN2. First of all, we will say that SN1. Order of reactivity of these very nucleophiles towards SN1. Remember that in case of SN1, we are using a solvent polar protic. Polar protic solvents. Shabash. एक तो पोलर होगा और उसके साथ साथ प्रोटॉन फॉर एग्जांपल मेरे पास वाटर है या मिथेनॉल है यहां पे डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव शाबाश दिस यहां पे एक क्वेश्चन है शाबाश नाउ डियर स्टूडेंट्स वही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा FCl Br एंड I अच्छी तरह से देख लीजिए यहां पे अब पूछा जाएगा SN2 order of reactivity of these very nucleophiles towards SN2. As you know, SN2 mein polar aprotic solvent use hota hai. Shabai beta. Remember that, pehle mein ye explain kar lunga, uske baad ye. Dekh lijiye dear students, jab humne SN1 reaction mechanism discuss kiya tha, remember it, wahan pe maine kaha tha ki we are using polar protic solvents. और वहां पे जो एल्काइल हैलाइड होता है रिमेंबर दैट फॉर एग्जांपल मेरे पास व्हाट वी कैन से अगर ये एफ नेगेटिव होगा मतलब व्हाट वी कैन से एल्काइल हैलाइड का एफ नेगेटिव होगा रिमेंबर इट दैट मींस CH3 Fe CH3 Cl CH3 Br and CH3 I शाबाश इनमें से Reactivity of alkyl halide towards SN1 reaction. यहाँ पे reactivity of alkyl halide towards SN2 reaction mechanism. यहाँ पे भी मैं explain कर रहा हूँ. देख लीजिए dear students. In case of SN1 reaction. यहाँ पे भी CH3 carbocation. 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 Now, remember that जो इसका leaving group होगा F negative. इसका size कम है. साइज लेस लेकिन इसका साइज ज्यादा है साइज मोर रिमेंबर इट जब साइज कम होता है इन केस ऑफ SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म एज द सॉल्वेंट इज पोलर
solvation. Solvation is inversely proportional to atomic size. Remember that. Solvation is inversely proportional to atomic size. Atomic size kam. Atomic size kam. Solvation zyada. Solvation ka matlab kya hai? Jo ye solvent hai. जो ये सॉल्वेंट है, फॉर एग्जांपल एफ नेगेटिव है, इसके इर्द गिर्द ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, इसके इर्द गिर्द ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स, दिस इज अल्टा नेगेटिव, इसके इर्द गिर्द बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, ये इसको सॉल्वेट कर लेंगे, ये इसको, दैट मीन्स सेकेंड सेटअप में ये फ्री नहीं होगा, एफ नेगेटिव फ्री नहीं होगा ताकि वो कार्बो कैटायन को अटैक कर ले. In case of SN1 reaction mechanism, there are two steps. In the first step, there is the formation of the carbocation. Chalo, alkyl, carbon or halogen bond break ho gaya. Lekin solvent humne kaun use kiya? Polar protic. Polar protic solvent will solvate that very anion more strongly, whose size is less. Whose size is less. Means, agar F negative bhi hai, I negative bhi hai. F negative ko jyada solvate kiya. The interaction between the dissolved species, what we can say, alkyl halide and the solvent, it is known as solvation. Solvation जब इसकी ज्यादा होगी, means ये free नहीं है अब, ताकि वो carbocation को attack कर ले. Free कौन होगा? I negative, क्योंकि उसका size. Solvation is inversely proportional to it. Size ज्यादा, solvation कम. जब ये free होगा, तो इसकी reactivity ज्यादा होगी. That is why reactivity आप alkyl halides या F negative, Cl negative, Br negative, I negative towards SN1, it is I negative is greater than Br negative is greater than Cl negative is greater than F negative. क्योंकि F negative solvate ज्यादा, उसकी solvation ज्यादा होगी. Size कम, solvation ज्यादा. Size ज्यादा, solvation कम. क्योंकि solvent कौन use करते हैं हम? शाबाश. जितना पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ज्यादा, उसका ज्यादा सॉल्वेशन पावर होता है. नाउ यहां पे देख लीजिए, यहां पे अब सॉल्वेंट जो है पोलर एप्रोटिक. पोलर एप्रोटिक मीन्स यहां पे सॉल्वेशन नहीं होगी. जो एफ नेगेटिव, सी एल नेगेटिव, बी आर नेगेटिव, ये फ्री होंगे. दैट इज व्हाई एफ नेगेटिव की रिएक्टिविटी ज्यादा है सी एल नेगेटिव से. Which in turn is Br negative, which in turn is I negative. When the solvent is polar aprotic and the reaction will favor. As you know, कि polar aprotic solvent जब होगा तो reaction किस mechanism से होगी? SN2. Aprotic होगा तो SN1. अब reactivity of halide ions, it is in this very order. Mechanism क्या है? Reason क्या है? यहाँ पे solvation ज्यादा होती है. क्यों solvation ज्यादा होगी? जब एक, कब solvation होगी? जब polar aprotic solvent होगा. शाबाश, solvation कब नहीं होगी? Polar aprotic solvent में solvation नहीं होती है. That is why reactivity of halide ions towards SN2 halide ions in polar aprotic solvent is F negative is greater than Cl negative greater than Br negative greater than I negative. And the reverse is the case in polar aprotic solvents. Thus, there should be a question kabhi kabhi pucha jayega ki order of reactivity of halide ions in polar aprotic ya polar aprotic. Polar aprotic mein solvation hogi. जिसका साइज कम होगा उसकी सॉल्वेशन ज्यादा होती है और उसकी रिएक्टिविटी अब कम हो जाएगी. जिसकी का साइज ज्यादा, सॉल्वेशन कम होगी, सॉल्वेशन कम होगी तो रिएक्टिविटी ज्यादा. शाबाश. दैट इज व्हाई आई नेगेटिव, बी आर नेगेटिव, सी एल नेगेटिव, एफ नेगेटिव. यहाँ पे रिवर्स, यहाँ पे सॉल्वेशन नहीं होती है. दस डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आज हमने डिस्कस किया कि फैक्टर्स अफेक्टिंग SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म. यहाँ पे ज्यादातर थ्रस्ट मैंने दिया कि स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट. वहां पे देख लीजिए कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन एटम को अटैच होगा तो उसको वो स्टेबलाइज ज्यादा होगा. इसका रिवर्स, जो जितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे वो कम स्टेबलाइज कर पाएंगे ट्रांजिशन स्टेट को. जो मैंने पहले ही कहा है कि स्टेरिक हिंड्रेंस, हाँ, अल्काइल ग्रुप्स जितने ज्यादा अटैच होंगे उनकी ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगी और ट्रांजिशन स्टेट को वो डिस्टेबलाइज ज्यादा कर लेंगे. हाँ, शाबाश. और उसके बाद पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म, लिविंग ग्रुप एबिलिटी जिसकी ज्यादा होगी और उसके बाद नेचर ऑफ द न्यूक्लियोफाइल. स्ट्रांगर न्यूक्लियोफाइल्स विल फेवर SN2 व्हाइल एज वीकर न्यूक्लियोफाइल्स विल फेवर SN1. और यहाँ पे आफ्टर कंप्लीटिंग SN1 एंड SN2 बहुत वेरी थॉरली डियर स्टूडेंट्स, नाउ यू विल बी इन अ पोजिशन टू डिस्टिंग्विश बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म. दस डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर completing SN1 and SN2 reaction mechanism, we will discuss SNAR1 and SNAR2.
this will be about, that was about SN1 and SN2. After that we will discuss SNAR1 and SNAR2. बहुत ईजी है वो भी, उसी तरह से. वेट फॉर माई नेक्स्ट क्लास. तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट.